सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र ग्रह जो है अब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो मकर राशि जो है शनि ग्रह की है और शनि पहले से ही वहाँ मार्गी हो गए, समय चल रहे हैं। तो शनि की राशि में अब शुक्र का जो है राशि परिवर्तन होगा और शुक्र शनि जो है आपस में जो है परम मित्र है। तो शुक्र शनि की राशि में जा रहा है, तो यानी मित्र की राशि में जा रहा है, तो मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। शुक्र ग्रह का जो प्रवेश है वो 8 दिसंबर को दोपहर को 2:03 पर मकर राशि में हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जो है लाइट कैमरा सुख सुविधाएं वैवाहिक जीवन के कारक स्त्री ग्रह है ये और बहुत ही सुख सुविधाएं के कारक का इन्हें कहा गया है। डांस आर्ट कला संगीत पेंटिंग बहुत ही जीवन से मिलने वाले सभी सुख स्त्री सुख वो सभी जो है शुक्र ग्रह के ही अधीन है। शुक्र को प्रेम रोमांस और सौंदर्य का कारक भी कहा गया है। वृषभ और तुला राशि का मालिक है शुक्र, कन्या राशि में नीच के और मीन में इन्हें उच्च का कहा गया है। सभी तरह की जो है व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं होती है तो वो शुक्र ग्रह से ही देखी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ये ग्रह अस्त है, नीच का है या पापी ग्रहों से पीड़ित है तो उस व्यक्ति के जीवन को थोड़ा नीरस बना देता है और उसके जीवन में जो है प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों को ये काफ़ी कमी कर देता है। तो इस ग्रह का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में और ख़ासकर शादी ब्याह जैसे मामले में तो शुक्र ग्रह का मजबूत होना ही बहुत अहम बात है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर है तो शादी ब्याह से जुड़ी हुई दिक्कतें कई प्रकार की व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो शुक्र जो है इससे पहले धनु राशि में चल रहे थे जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन अब शुक्र मकर राशि में आ रहे हैं, मकर के स्वामी खुद शनि हैं, तो शुक्र का जो शनि के साथ होना बहुत ही अच्छा रहेगा। और 8 दिसंबर को जब भी प्रवेश करेंगे तो 30 दिसंबर तक वहाँ रहेंगे, लगभग 22 दिन इनका जो है ये समय गोचर का रहेगा मकर राशि में। तो इस दौरान मकर राशि वालों के लिए ये है कि आत्मविश्वास अधिक रहेगा, आप किसी भी कार्य को जो है सफलतापूर्वक कर पाएंगे। इस दौरान आप अति उत्साही रहेंगे, मतलब कार्य करने की जो क्षमता आपके अंदर कई गुना बढ़ जाएगी और अपने कार्य में जो है निपुणतापूर्वक आप किसी भी कार्य को आराम से कर पाएंगे। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम जो है शुभ रहेगा और लाभ आपको जो है अधिक रहेगा। इस दौरान जो है आपके शत्रु भी पराजित हो गए, कोई शत्रु आपकी तरफ आँख उठाकर नहीं देख पाएगा और सभी शत्रु जो है आपके पराजित हो गए और अपने कार्य को अंजाम देने में आप सफल रहेंगे। नौकरी को या व्यवसाय को लेकर जो आपको बाधाएं अभी तक आपके कार्य में आ रही थी तो वो सभी प्रकार की बाधाएं अब स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि का यहाँ पहले से ही रहना इस मकर राशि में, मकर राशि के स्वामी शनि है और शुक्र अपनी ही मित्र राशि में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा परिणाम मकर राशि वालों को देगा, यानी कि सोने पे सुहागा रहेगा। क्योंकि दो ग्रह एक साथ रहेंगे, दोनों बड़े ग्रह हैं, तो मकर राशि वालों के लिए इस समय कई रास्ते खुलेंगे, कई सफलता के मार्ग खुल सकते हैं। यदि किसी का रिजल्ट आने वाला है किसी प्रतियोगिता परीक्षा का तो उसमें भी वो सफलतापूर्वक पास कर पाएगा। और व्यापार से अगर देखा जाए तो व्यापार के लिए भी इसमें बड़ा अनुकूल है। इस दौरान व्यापारी भाई को जो है काफ़ी फायदा हो सकता है और किसी की शादी ब्याह में जो दिक्कत आ रही थी, किसी का यदि रिश्ता नहीं हो रहा था या शादी ब्याह में कोई अड़चन आ रही थी तो वह अड़चने भी जो है अब मकर राशि वालों की समाप्त होगी। आज आपने जाना शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारियां आपको विस्तार से दी जाएगी।